Hello students, welcome back. As I told you in previous session that there is one more method of multiplication, and that is multiplication of more than two fractions at a time. We will solve some examples. See, you have given two integer 1/7 multiplied by two integer 4/9 multiplied by 7/22. So we will solve this first. 7 2s are 14 plus 1 15/7 multiplied by 9 2s are 18. 18 plus 4 22/9 multiplied by 7/22. Okay. Up to this time, what we have seen, we were having only two fractions, right? And we were simplifying with each other. But when you have more than two, let's say 3, 4 fractions with you, that time you can simplify with each other. Jaise 21 ones are 21, 21 ones are 22, 22 ones are 22, 22 ones are 22, 7 ones are 7, 7 ones are 7. This is 15, this is 9. This can be simplified by 3. So 3 threes are 9, 3 fives are 15. What is answer? 5/1 multiplied by 1/3 multiplied by 1/1. That's equal to 5 × 1 × 1, that is 5. And 1 × 3 × 1, that is 3. So what is your final answer of such a big multiplication? Just 5/3. You can write it in the form of mixed fraction, like 1 integer 2/3. 3 ones are 3, 3 plus 2 5, 5/3, 5/3. ये जो स्टेप है, ये नहीं भी लिखी तो चलेगा, लेकिन इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि एक बार दो बार सिंप्लीफिकेशन हुआ है तो फिर याद नहीं आ रहा है या क्लियरली विजिबल नहीं है किसको क्या मल्टीप्लाई करना है, देन यू कैन गो फॉर राइटिंग दिस स्टेप. मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि क्लियरिटी, कि आपकी हर एक स्टेप कितनी क्लियर है. Not by handwriting, but by calculation. Understand? If it is more clear by calculation, then definitely you will get the right answer. Let's solve another one. Dekho. 9 integer 1/3 multiplied by 1 integer 1. Even hai yahan pe. Ye maine fraction ko isko aise kar diya. 1 integer 1/29 multiplied by 6/15 multiplied by 7 integer 1/5. चलो इनको कन्वर्ट करते हैं पहले इम्प्रॉपर में. 9 3 are 27, 27 plus 1 28/3 हो गया मल्टीप्लाई बाय 29 ones are 29 plus 1 30/29. 6/15 तो एज इट इज आएगा मल्टीप्लाई बाय 7 5 are 35, 35 plus 1 36/5. ओके, अभी ध्यान से देखो इन सारे फ्रैक्शंस को और सोचो इसमें क्या क्या सिंप्लीफाई हो सकता है. पहले देखो, 3 1s are 3, 3 10s are 30. ओके, अभी 5 1s are 5, 5 2s are 10. ओके, अभी ये 28 है लेकिन यहाँ पे कोई इवन नंबर नहीं है. ये सारे ऊपर के हैं इवन, बट नीचे इवन नंबर नहीं है तो 2 का सवाल ही पैदा नहीं होता. चलो 3 की तरफ बढ़ते हैं. 3 के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे 3 2s are 6, 3 5s are 15. ओके, चलो अभी फिर इनको फिर से लिखते हैं. व्हाट वी हैव गॉट, 28/1 मल्टीप्लाई बाय 2/29, राइट? देखो ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 36/1. ओके, नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दिस. चलो 28 2s are 56 एंड 36 2s are 72/25 मल्टीप्लाई बाय 5. क्लियर? देखो फिर से 28 2s are 56. ये भी आपको अगर नहीं आ रहा है ना, गो फॉर मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली. डोंट मल्टीप्लाई लाइक आई हैव मल्टीप्लाइड ओवर हियर, बिकॉज आई नो 28 2s are 56, 36 2s are 72.
कैलकुलेशन से प्रैक्टिस से आता है, आपको नहीं आ रहा है, गो फॉर मल्टीप्लीकेशन। जैसे अभी हम करेंगे, यहाँ पे देखो, फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस 72 मल्टीप्लाई बाय 56, 6 टू जा 12 कैरी 1, 6 सेवन जा 42 प्लस 1 43 प्लस 0, 5 टू जा 10 कैरी 1, 7 फाइव जा 35 प्लस 1 36। नाउ 2, 3, 6 प्लस 4 10 मतलब 0 आया ये 4032। ठीक है, 4032 अपॉन 29 मल्टीप्लाई बाय 5, 29 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 नाइन जा 45 कैरी 4, 5 टू जा 10 प्लस 4 14, 145। ओके, दिस इज योर आंसर। अभी आप सोचोगे कि मैम ये भी इम्प्रॉपर आया है क्या, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है? इट इज डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन आस्क्ड टू यू। इफ यू हैव गिवन द क्वेश्चन लाइक इवेल्युएट एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, देन यू कैन गो फॉर डिवीजन, क्यूआरडी जैसे सिखाया था मैंने आपको प्रीवियस सेशन में। अगर नहीं बोला है तो कीप इट एज इट इज, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस रफ वर्क वी हैव टू erase so that our notebook will be neat and tidy. Understand? This is what about today's session. In next session I will explain you how the division of fractions takes place, what are the types, what are the different laws for that, and how to solve the division of fraction in simplest way. Till that time, you practice for multiplication, you solve 5 more example of this. So, आपके total 20 examples हो गए हैं 5 whole number के, 5 fraction by fraction के, 5 of के और 5 इसके, more than 2 fractions का multiplication. So, 20 examples you have to solve. You can solve from exercise, you can solve from reference book, you can solve from internet also. It's depend upon you. But first preference give to your textbook. It is a sound book for you. So keep on solving and let me know if you have any query in this topic also. Please don't remain quiet along with your doubts, because it will be troublesome for you when you will start continuation with this chapter. Understand? So take care you all, and all the best for your 20 examples. Thank you.